नमस्कार, एसके डोरमेट में आपका स्वागत है। बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डोरमेट बनाने जा रहे हैं उसके लिए बेस बनाने के लिए चाहिए, हमने ये बोरी लिया है और ये कॉटन का कपड़ा लिया है रेड कलर का। आप चाहें तो जींस से या फिर कैरी बैग भी ले सकते हैं कपड़े की जगह। तो इसे हम करते हैं किनारे और आज हम बचे हुए कपड़ों से ही डोरमेट बनाएंगे बिना खर्च किए। तो ये है जींस से निकले हुए कतरन, जिसमें से हमें लंबी लंबी पट्टी काट लेनी है। छोटी हो लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी पट्टी काट लीजिए, बस लंबी पट्टी काटना है। चौड़ी हो या फिर लंबाई में छोटा बड़ा हो कोई बात नहीं, इस तरह से हमें लंबी लंबी पट्टी काट लेनी है। ये कतरन हम बचा है हमने जींस से एक और डोरमेट बनाया था, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। तो इस तरह की पट्टियाँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हम लंबी छोटी पट्टियाँ निकाल लेंगे और ये बचे हुए कतरनों को हमें फेंकना नहीं है। तो ये देखिए, हम सबसे पहले सुई धागा लेंगे, सुई धागे से हमें इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसको खींच देंगे। धागा डबल लिया है मैंने, मतलब दोहरा धागा कर लिया है, और इस धागे को खींचने के बाद दोनों पट्टी के दोनों किनारे को आपस में मिला के सिल देंगे। जैसा वीडियो में आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह से सिलाई कर देनी है। सिलाई करके गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें जींस से निकली हुई पट्टियों से ढेर सारे फ्लावर्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने बनाया है, ये देखिए, इस तरह से प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो ये हमने पत्तियों की डिजाइन काट ली है, ये हमने जॉकेट से निकाला है स्कूल वाले यूनिफॉर्म के, ये वाले जॉकेट से, इसके जेब से हमने उतनी पट्टी निकाल ली है और ये दोनों जेब भी ले लेते हैं। इसमें से भी हम पत्तियाँ निकाल लेंगे और बाकी जैकेट रख देते हैं, उसका कुछ अलग डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें से हम पत्तियों को काट लेते हैं। तो पहले हम इस तरह के फ्लावर से, इस जो हमने जींस का फ्लावर बनाया उससे इस डिजाइन में डोरमेट बना सकते हैं। एक तो ये डिजाइन है, दूसरा हमने अपना एक और डिजाइन बनाया है ये वाला। इस तरीके से आप पत्तियों का इस्तेमाल करके ये सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन सबको हमें इस कपड़े में सिलाई कर लेनी है, यानी टक कर लेना है। उसके बाद हमने जो प्लास्टिक ली है बोरी, उसको इसी के बराबर कट कर लेंगे, और ये है हमारे कपड़ों से निकला हुआ फॉर्म, ये फॉर्म है। तीनों को हमने सेट कर लिया है और तीन तरफ सिलाई कर देंगे, पहले बोरी फिर डोरमेट फिर फॉर्म, इस तरह से रख करके तीन तरफ सिलाई कर लेनी है और एक तरफ खुला रखना है, और जिस तरफ खुला है उसी तरफ से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको सेट कर लेते हैं, इस तरह से सेट करने के बाद जो भी हमारा ये फ्लावर जो मुड़ जा रहा है इसे हम सुई धागे से टक कर देंगे ताकि ये इस तरह से मुड़े नहीं, और ये जो खुला हुआ भाग है इसकी हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। लाइक या सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपका एक लाइक हमें
बहुत सपोर्ट करता है। तो आप बताइए आपको ये तरीका कैसा लगा, और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा वीडियो देखने के लिए। इस तरह से हमने ये बचे हुए कपड़ों से हमने ये डोरमेट बनाया है। आपको पसंद आया या नहीं ज़रूर बताइएगा। फोम डालने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और नीचे प्लास्टिक लगाने की वजह से, जो हमने प्लास्टिक की बोरी लगाई है, तो नीचे से ये वाटरप्रूफ भी हो गया है और ऊपर से बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, जो बेकार पड़े घर में सामानों से बनाया हमने। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।